वेरी गुड इवनिंग टू ऑल, वेलकम टू चैनल गाइज। सो अभी हमारे पास 2 दिन बचे हैं, आज 10 हो गया है, 11 और 12, 13 को हमारा एग्ज़ाम है सेकेंड शिफ्ट में। सो अभी 2 दिन में हम लोग क्या पढ़ सकते हैं, क्या पढ़ना चाहिए, उसको हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इस वीडियो में। क्योंकि इसके पहले जो वीडियो आए हैं इसमें मैंने बताया था कि हर एक यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है, इस यूनिट में क्या इंपॉर्टेंट है क्या नहीं है। और अभी आप पिछले 4-5 दिनों से मैं कुछ वीडियो अपलोड कर रहा हूँ यूट्यूब पर, जो कि लाइव क्लासेस की वीडियो हैं, तो आप उनको देखिए। जैसे कि उसमें मैंने अभी पिछले 3-4 दिन में जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं, जैसे यूनिट 1 से जो इम्पोर्टेंट थ्योरीज़ हैं, यूनिट 2 से थ्योरीज हैं, इसी प्रकार से ओवरऑल सभी 10 यूनिट के अंदर जो भी इम्पोर्टेंट थ्योरी है उनको मैंने अभी 2-3 क्लास में डिस्कस किया, तो लगभग 5-6 6-7 क्लास होगी टोटल, उसको मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर, तो उसको देखिए। क्योंकि जो जो क्वेश्चन थ्योरी से आते हैं, वो कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं कि जैसे कि मैच द फॉलोइंग करना होता है, आपको सही क्रम में लगाना होता है, और कभी कभी लिस्ट वन लिस्ट टू को पेयर करना होता है, तो ऐसे जो थ्योरी क्वेश्चन आते हैं बहुत डिफिकल्ट नहीं आते, लेकिन आपको एटलीस्ट थ्योरी पता रहनी चाहिए, कौन सा थिंकर किसके द्वारा क्या थ्योरी दी गई है, जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्रैक्स पता होनी चाहिए कि थ्योरी का क्या क्रैक्स है, थ्योरी किस चीज़ के बारे में बात कर रहा है। तो बेसिक अंडरस्टैंडिंग यू शुड अंडरस्टैंड, तो ये कुछ वीडियो हैं, 4-5 वीडियो हैं, उनको देख लीजिए, सो दैट यू कैन गेट द एक्सपोजर ऑल अबाउट ऑल द थ्योरीज फ्रॉम द यूनिट 1 टू यूनिट 10। ओके, अभी इसके बाद फिर अभी यूनिट ये कंप्लीट होने के बाद मैंने कुछ वीडियो शेयर किए हैं, या अभी कुछ कर रहा हूँ मैं, जिसमें यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का जो पूरा सिलेबस है, उसके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट चैप्टर्स हैं, उसको मैंने एक नोट्स बनाया हुआ है, तो जो पेड ग्रुप में नहीं है उनके लिए वीडियो है, आप लोग वीडियो देख करके रिवाइज कर सकते हैं पूरा, इससे आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा पूरे चैप्टर्स का, यूनिट 1 से लेकर यूनिट 10 तक का। तो वो वीडियो भी मैं अपलोड करूँगा यूट्यूब पे, और डेली मैं कर रहा हूँ एक करके, तो प्लीज़ ये लोग आप ये सबको देखिए आप। इसके अलावा जो यूट्यूब पे जाएंगे तो वहाँ एक प्लेलिस्ट है, जिसमें मैंने कुछ इंपॉर्टेंट डे एंड डेट्स, ऑथर थिंकर बुक्स एंड इस प्रकार से डे एंड डेट, वो सभी की सभी रैंकिंग वगैरह उसका वीडियो अपलोडेड है, तो उसको आप देख लेना, वहाँ से भी आपका रिवीजन हो जाएगा, जो फैक्चुअल डेटा होता है उसको रिवाइज करने के लिए वो अच्छा है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट है, पिछले आप 2 ही दिन बचे हैं, तो आपको कुछ ज़्यादा नया कुछ पढ़ना जरूरत नहीं है, जस्ट फोकस ऑन दैट कि जो जो चीज़ मैंने यूट्यूब पर डाली हुई है, जो वीडियो डे है, उनको आप देख सकते हैं, रिवाइज कर सकते हैं, बाकी जो आपका नोट्स होगा उनको प्रैक्टिस करिए, उनको रिवाइज करिए 2-3 बार, और पिछले 2-3 सालों के जो क्वेश्चन आपने सॉल्व किए होंगे उनको एक बार दोबारा से सॉल्व कर लीजिए, ताकि अगर उनमें से कोई दोबारा क्वेश्चन आता है तो एटलीस्ट वो गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है, और नया कोई क्वेश्चन आएगा तो यू कैन ईजिली अंडरस्टैंड कि किस टाइप का पैटर्न है, किस टाइप का क्वेश्चन है, वो आप समझ पाएंगे। तो 2-3 साल के पेपर लगाना बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर 2 के लिए। ओके, तो ये सभी चीज़ें हैं, अभी 2 दिन में आपको कितना पढ़ना है ये मैंने बता दिया, अभी जब एग्ज़ाम होगा उसके एक दिन पहले मैं बता दूंगा कि कैसे एग्ज़ाम में आपको सॉल्व करना है क्वेश्चन, क्या तरीका रहना चाहिए, स्ट्रैटेजी क्या टेक्निक होनी चाहिए, सो दैट थिंग वी विल डिस्कस लेटर। सो ऑल अबाउट दिस इज ऑल अबाउट टुडे क्लास, थैंक यू सो मच।